मैं यहाँ पे बसिया में हूँ और बसिया का सारा लोकेशन आप देखिए, बहुत ही लग रहा है आज लॉकडाउन है उस तरीके से लग रहा है। और काफ़ी भीड़ भड़ा का कुछ भी नहीं है, गाड़ी वगैरह कोई भी बस वस ट्रक व्रक अभी तो चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, बस एक वैन दिखाई दे रहा है पीछे से ट्रक जो दिखाई दे रहा है। हो सकता है रांची उची जाता होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा चीज़ देखने का मौका नहीं मिला है। और देख सकते हैं सारा का सारा दुकान बंद पड़ा है। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर फुचका खाने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। और यहाँ पे महक को देख सकते हैं, महक खा रही है फुचका वगैरह सारा चीज़। और देख सकते हैं आगे पीछे कोई भी ऐसा साधन नहीं है, भूख भी लगा है, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करके आए थे, तो आज सोचे होटल जाएंगे तो होटल आज होटल भी बंद ही, खाने का कुछ नहीं मिला, बहुत ही भूख लग रहा है। पानी भी अगर खरीद के अगर पीना चाहे तो ऐसा कोई दुकान नहीं दिख रहा है जिसमें हम पानी भी पी सके, वैसा कोई माहौल नहीं है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं है और कोई भी वैसा खाली आपको दुकान का बंदी दिखता नज़र आएगा। एक ऑटो नज़र आया है, ऑटो देख सकते हैं भी आने जाने का सुविधा के लिए कुछ भी वैसा नहीं है, सारा बंद पड़ा हुआ। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का क्या? तो अभी हम लोग जो है सारा लॉकडाउन के हालत है हो गया उस तरीके से दिख रहा है आज बंदी के वजह से। आज यहाँ पे बंदी है, बंदी में काफ़ी असर दिख रहा है, मार्केट का असर। एक दिन का अगर लोग बंदी हो जाए तो बहुत सारा परेशानी लोगों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आज देख सकते हैं खुद मुझे परेशानी आज झेलना पड़ रहा है, कुछ खाने पीने का साधन वैसा नहीं है। अपना कार है इसलिए मैं शीशे से यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, तो उससे देख सकते हैं अभी उसका दुकान जो है गई है। और ये काफ़ी बढ़िया बनाते हैं ना, झूठ बोल रहा है। तो मैं फुचका दुकान के बात कर रहा था, ये भाई जी है, क्या नाम है भाई आपका? कोमल। कोमल भाई है, कोमल तेरा बहुत नाम लेती है ना तेरा भाभी, कि यहाँ पर फुचका दुकान कहाँ पे लगा है, समझा? बार बार परेशान इधर झेलना पड़ता है हमको, है ना? तो देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी है, बनता है। यहाँ पे बैठते हैं, लोकेशन मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ पे बस रुकती है सिमडेगा टू रांची जाने के क्रम पे, उस जो होटल वगैरह बढ़ता है चावर और है उस जगह जो है आप यहाँ फल दुकान के बगल में आप आ सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगेगा। और हम लोग फाइनली अब चलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। और हम लोग एक ऊँचडी गाँव है, ऊँचडी गाँव इस जगह से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है, तो हम लोग चलते हैं आप फाइनली। बाजार यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी कोई भीड़ भड़ाका नहीं है अभी तक, बहुत ही ज़्यादा जो है लोग आते हैं, लेकिन आज बंदी के कारण जो है बाज़ार भी सही ढंग से नहीं लग रहा है मैं भी, ठीक है? और कौन, आज फ्राइडे का भी दिन है, लगभग दिन के जो है लगभग 11:30-12 बज चुके हैं। और यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो मैं प्रखंड लेवल पे लो बंदी दिखाया दोस्तों किस तरीके से मोमेंट था, और गांव का जो है गांव में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंट है। इसके बाद हम लोग जो है आपको एक सुनहरा सा एक अवसर प्रदान करेंगे, देख सकते हैं काफ़ी कुछ असर नहीं है गांव में, जो जिनमिन जैसा रहता था वैसे ही है, देख सकते हैं कोई भी नहीं दिख रहे हैं, सब अपने अपने घर में। तो महक बताओ कुछ कुछ, है ना, बंदी उंदी कैसा असर पड़ रहा है झारखंड में, है ना? तो देख सकते हैं गांव भी आए आगे है और गांव में भी कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, लोग पूरे आप घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे हम लोग अब समाप्त करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप देख सकते हैं आज मैं लोग का जो गाँव देहात हर जगह में लेके सारा का सारा व्यू मैंने दिखाया कि किस तरीके से माहौल है, तो
उस माहौल को देख लिए, अब यहीं पे हम लोग इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं, है ना मैं।